पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सूरजपुर में आया एक बड़ा सांप और उसने किया पूरे सूरजपुर पे हमला। पापा मुझे बचाने के लिए बीच में आया और वो सांप उन्हें निकल गया। ज्ञान पांडे ने हमें बताया कि हमें चैनल का विश्लोक और वहां से लाना होगा नाग वज्र। अब देखिए आगे। चलो आराम से पीछे जो पीछे। थैंक गॉड अभी हम मौत के मुंह से बाल बाल बच गए। श्लोक के द्वारपाल को मारा है, अब विष कन्या तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं विष कन्या जी, हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा। हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। हम यहाँ आप पर हमला करने या आप में से किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए। हमारे सूरजपुर पर एक बड़े दैत्यनाग ने हमला कर दिया, उसके लिए हमें नाग वज्र की जरूरत है। हमें प्लीज वो ले लीजिए। ये नागवज्र विश्वलोक की धरोहर है और मेरा हथियार, इसे मैं तुम इंसानों को कभी नहीं दूंगी। मचाने तो दैत्यनाग को तबाही, ऊपर दैत्यनाग उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारेगा। और यहां मैं तुम लोगों को जहरीली दर्दनाक मौत दूंगी। देख क्या रहे हो, मार डालो इन तीनों बच्चों को। क्यों गए? बचाओ! जिस तरह मैंने दैत्यनाग के पहले फन को जगाया था उसी तरह समय आ गया, मैं दूसरे फन को जगाऊंगा। नागिन तुम क्यों गए? इतने से ऐसे कुछ नहीं होगा, और निकालो। नहीं गुरुकार, अब नहीं होगा, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैंने कहा और जहर निकालो। जागो दैत्यनाग के दूसरे फन, जागो, विष का पान करो और अपने 100 साल की गहरी नींद से जागो। तुम नागिन होकर दैत्यनाग के जहर से इतना छटपटा रही हो तो फिर आम इंसान का क्या हाल होगा? है दैत्यनाग, 100 साल सोने के बाद आपको बड़ी भूख लगी हो।
इस गुफा के ऊपर वो सूरजपुर है जिस पर आप राज किया करते थे। आप अपना बदला चुकाइए सूरजपुर के लोगों का शिकार करके अपनी भूख मिटाइए। दैत्य नाग के दोनों फन का सामना तो रुद्र के रक्षक भी नहीं कर पाएंगे। जय शैतान। नरसंहार करेंगे मेरे नाग सैनिक, मार डालो सबको, आक्रमण। ये तो गलत बात है, हम तीन हैं और ये लोग पता नहीं कितने भी होंगे। ओए ये तो ना इंसाफी हुई। इज्जत अभी तो सिर्फ मजाक सोच रहा है, अभी आप क्या करेंगे? हाँ मेरी बस एक प्लान है, मैं तू तो अपनी बहुत सही परछाई बनो, एक गोल दीवार बना दे और जब मैं खुद हूँ नीचे झुक, ठीक है? ठीक है, रुक की रानी बने मेरी परछाई। अपनी सुपर स्पीड हमारी सूर्य की तलवार इन सबका सर्वनाश करेगी। रेडी? ठीक है चलो। माया नीचे झुक, आर्य बात बिना गिरफ्तार। वार में सबको मार दिया। ये मेरे नाग सैनिक हैं मूर्ख बच्चों, तुम लोग इनके जितने टुकड़े करोगे ये उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। पीछा पीछा पीछे। हिम्मत रखो, मुझे तुम्हें तुरंत महागुरु के पास ले जाना होगा। आराम से मैं नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आदित्य
कुक्कू मामा। बताना अभी अभी तुम माया और विशु को लेकर जाओ। नहीं मम्मी, पापा ने पहले ही मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, अब मैं आपको नहीं खो सकता। नहीं अभी, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य पूरा किया है और अब मुझे अपना फर्ज निभाना। बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते हुए नहीं देख सकते। तुम जाओ अभी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ अभी। मैंने किया है, ये मैंने किया है। माँ करो, अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? महागुरु जी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आपने मम्मी को क्यों नहीं बचाया? प्लीज प्लीज मुझे वापस वहाँ ले चलिए, मुझे मम्मी को बचाना प्लीज। बहुत देर हो चुकी थी अभी, तब मैं ना कुछ कर सकता था ना अब तुम कुछ कर सकते हो। मैं अब सिर्फ तुम बच्चों की रक्षा करके उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देखो अभी विशु और माया का जहर बढ़ता जा रहा है, इन्हें बचाने में मेरी मदद करो। आओ अभी। चलो 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 चलो, अबे भाई मैंने हाथ मिलाने को बोला था, पूछ मिलाने को नहीं। अबे ये क्या कर रहा है? मैं ये जादुई वशीकरण जड़ी बूटी नागिन को पिलाकर उसे अपने वश में कर लूंगा, फिर वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी और उसके बाद शादी। सफर बहुत लंबा है शकुन, थोड़ा पानी पी लो, प्यास भी लगी है। ये तो गिर गया। बच गया शकुन, वरना आज तेरा अंटे में बंटे का संटा हो जाता। हाँ, देख तो लू वशीकरण वाली जादुई जड़ी बूटी कहीं पानी में गिर तो नहीं गया।
डरो मत अभी, ये दिव्य नाग है, इनके अंदर के दैत्य नाग के जहर को सिर्फ ये दिव्य नाग ही खींच सकते हैं। आपको बताना होगा क्यों दैत्यनाग आखिर मेरे मम्मी पापा को क्यों मार डाला और वो पूरे ससुराल में तबाही क्यों मचा रहा है और वो ये सब क्यों कर रहा है। क्योंकि 100 साल पहले तुम्हारे परदादा ने 5 फनों वाले इस महाभयंकर दैत्यनाग को गहरी निंद्रा में सुला दिया था। अभी सिर्फ इसके 2 फन जागे, अब धीरे धीरे बहुत जल्द ही इसके 5 फन जाग जाएंगे। एक दिन के बाद अमावस्या है और तब तक इसे फिर से नहीं सुलाया गया तो तुम आदित्य, रुक्मणी और सूरजपुर के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। महागुरु जी, उसे सुलाने की जगह हम उसे मारी क्यों नहीं देते? दैत्यनाग मर नहीं सकता क्योंकि वो अमर है, उसे सिर्फ काबू में करके सुलाया जा सकता है। महागुरु जी, हम जिस नाग को मार नहीं सकते, हम उसे काबू में कैसे लाएंगे? रक्षक जिंदा कैसे बच गए? नागिन, अपनी भाषा में दैत्य नाग के दोनों फन को संदेशा भेजो, उन्हें कहो कि मां गुरु की गुफा में जाकर मां गुरु के साथ साथ रुद्र के रक्षक को खत्म कर दे। जी गुरु का। नाग वज्र के प्रहार से ही उसे फिर से सुलाया जा सकता है और वो दोबारा से ने जाग कर तबाही ना मचाए, इसलिए उसे नागपाश में बांधना होगा। महागुरु जी, हम लोग विष्णुलोक भी गए थे, वो नाग वज्र लाने, लेकिन हम उससे नहीं जीत पाए। और अगर हमने दोबारा कोशिश भी की और हम विष्कन्या से नाग वज्र ले भी आए तो हम ये नागपाश कहाँ से लाएंगे? नागपाश भी तुम्हें विष्कन्या के शस्त्रागार में विष्णुलोक में ही मिलेगा। तुमने नागपाश में अपने शत्रु को एक बार बांध लिया तो उस रस्सी को ना तो कोई तलवार काट सकती है और ना ही कोई आग जला सकती है। उसमें बंधने के बाद तुम्हारी मर्जी के बिना वो कभी भी नहीं छूट सकता। चलो गाइस, दोबारा से विष्कन्या से लड़ते और पिछली बार का हिसाब भी चुकता कर लेंगे। चलो। नहीं, तुम लोग विष्कन्या से अकेले नहीं जीत सकते। उसे हराने के लिए तुम्हें नागों के सबसे बड़े शत्रु मायावी नेवला और गिद्धराज की मदद लेनी होगी। लेकिन महागुरु जी हमें कहाँ मिलेंगे? Oh.